सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो पॉलीफ्राई। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मशहूर है। वह लोग भी सिद्धू के फैन ने जो पंजाबी बोलनी तो दूर समझते भी बहुत मुश्किल के नाल ने, पर उन्होंने सिद्धू का म्यूजिक काफ़ी पसंद आता है। सिद्धू मूसेवाला अज अपना 27वां जन्मदिन मना रहे हैं, तो इस वीडियो के आप एक झात पावे सिद्धू मूसेवाले की जिंदगी के उपर। सिद्धू मूसेवाले का पूरा नाम शुभदीप सिंह सिद्धू है। सिद्धू का जन्म 11 जून 1993 नूं मानसा जिले के पिंड मूसा दे विच होया। वो एक सिख परिवार दे विच पिता भोला सिंह ते माता चरण कौर दे घर पैदा होया सी। सिद्धू मूसेवाला ने गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना तो पढ़ाई की, साल 2016 दे विच इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विच ग्रैजुएट हुए। उन्होंने DAV कॉलेज फैसटिवल परफॉर्म भी किया। सिद्धू मूसेवाला खुद कहते हैं कि वह अमेरिकन रैपर टूपैक तो बहुत ज़्यादा प्रभावित ने। सिद्धू मूसेवाले ने लुधियाने में रहिंदी हरविंदर बिट्टू तो संगीत सीखा। सिद्धू अपनी फैमिली के काफ़ी क्लोज ने, तो अपने माँ बाप के नाल बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने अपनी मम्मी के लिए डियर मम्मा ते पापा के लिए बापू सरलेख के ट्रैक जारी किए ने। 2019 तो सिद्धू मूसेवाला ब्रैम्पटन के रेंदे ने, उन्होंने को एक ब्लैक रेंज रोवर भी है। सिद्धू मूसेवाले ने अपने करियर की शुरुआत एज ए लिरिकल निंजा द्वारा गाए गाने लाइसेंस के नाल की। उस तो बाद उन्होंने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत जी वैगन गाने के नाल की। एक ड्यूट सोंग सी। इस तो बाद सिद्धू की पहली एल्बम PVX1 बिलबोर्ड कनेडियन एल्बम चार्ट से चली गई सी। इस दे नाल ही उन्होंने सिंगल ट्रैक 47 UK सिंगल चार्ट से। 2020 सिद्धू ने 50 नवे कलाकारों के द गार्डियन ने जगह दिती सी। ग्रेजुएशन तो बाद सिद्धू मूसेवाला कैनेडा चले गए, तो उत्थे उन्होंने अपना पहला गाना जी वैगन रिलीज़ किया। इस तो बाद सिद्धू का आया गीत उच्चिया ने गल्लां तेरे यार दियां ने सिद्धू नूं रातों रात मशहूर कर दिता। सिद्धू मूसेवाले के 2017 आए गाने सो हाई जानी उच्चिया ने गल्लां तेरे यार दियां नूं एक रिकॉर्ड तोड़ सफलता मिली। ब्रिट एशिया म्यूजिक अवार्ड के इस गाने के लिए सर्वोत्तम गीतकार का अवार्ड भी सिद्धू मूसेवाले नूं मिलिया। सिद्धू ने 2018 दे विच भारत दे विच लाइव शो करने शुरू किए। उन्होंने कनेडा दे विच भी सफल लाइव शो किए। इस तो बाद सिद्धू ने अपनी कामयाबी नूं इस्सा यट टोचन सैल्फ मेड फेमस दे वार्निंग शॉट वर्गे सिंगल ट्रैक्स दे नाल जारी रखिया। 2018 दे विच सिद्धू ने अपना पहला फिल्म साउंड ट्रैक डॉलर रिलीज़ किया, जो कि पंजाबी फिल्म डाकुआं दा मुंडा दे विच सी। इस गीत नूं भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। साल 2018 दे विच सिद्धू ने अपनी पॉप एल्बम PVX1 नूं रिलीज़ किया। एल्बम बिलबोर्ड द्वारा कनेडियन एल्बमों के चार्ट से चली गई। इस अलावा 3 होर वड्डे अवार्डों के नाल 2019 ब्रिट एशिया TV म्यूजिक अवार्ड्स के सर्वोत्तम एल्बम का अवार्ड भी इस एल्बम नूं मिलिया। 2019 के सिद्धू मूसेवाला ने अपने नाम का एक रिकॉर्ड लेवल शुरू किया। इस रिकॉर्ड लेवल से बहुत सारे ट्रैक जारी किए। हुण तक इस लेवल तो आए गीतों के सिद्धू के गीत माफिया स्टाइल, आरनेत दे नाल उन्हां दा आया गीत पॉइजन, सोहणे लगदे ते होमीसाइड शामिल ने। इस तो बाद सिद्धू मूसेवाला प्रोड्यूसर भी बने, तो उन्हां दा पहला गीत प्रेम ढिल्लों द्वारा बूट कट जारी किया गया। अक्सर सिद्धू के नाल कॉन्ट्रोवर्सियां भी जुड़दियां रहियां, ते जून 2019 के सरी म्यूजिक फैसटिवल के सिद्धू की परफॉर्मेंस नूं कैंसल कर दिता गया, क्योंकि वह एक वायलेंट सोंग गाउंदे ने। इस तो बाद सिद्धू का मिस्ट ते स्टेफलोन डॉन के नाल आया गीत 47 टॉप 20 UK मेन स्ट्रीम वीकली चार्ट के शामिल होया। इस तो अलावा इस गीत नूं न्यूजीलैंड के टॉप 40 सिंगल ट्रैक चार्ट के भी शामिल किया गया। 2019 साल का अंत सिद्धू ने धक्का गीत के नाल किया, जो कि 2019 का सुपर हिट गीत रहा। 2019 दे विच स्पोटीफाई ने सिद्धू मूसेवाला नूं करण औजला ते मनिंदर बुट्टर दे नाल टॉप दे सिंगरां दे विच शामिल किया। 2020 दी शुरुआत कीती सिद्धू मूसेवाले ने प्रेम ढिल्लों ते नसीब दे नाल गाए गीत ओल्ड स्कूल दे नाल, जिस नूं कि दर्शकां ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इस तों बाद सिद्धू मूसेवाले दा गीत आया टिब्बियां दा पुत, जो कि iTunes चार्ट ते सब तों उपर है ते भारत दे विच Apple म्यूजिक चार्ट ते 8वें नंबर ते है। इस गीत तों बाद सिद्धू दे कई सिंगल ट्रैक आए, जिन्हां दे विच 911 8 सिलेंडर शामिल ने। मई 2020 दे विच सिद्धू ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल ते अपनी दूजी स्टूडियो एल्बम स्नैचिज गैट स्टिचिज दी अनाउंसमेंट कीती, तो उस दिन रात में इस एल्बम को यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया गया। मई 2020 सिद्धू ने अपनी मम्मी के बर्थडे पर एक गीत डियर मम्मा रिलीज़ किया, जो कि आज भी दर्शकों के दिलों के बसता है। पर अक्सर समय समय से सिद्धू मूसेवाले के नाल कॉन्ट्रोवर्सियां भी जुड़दिया रही। सिद्धू मूसेवाले की सब तो वड्डी कॉन्ट्रोवर्सी पंजाबी सिंगर करण औजला के नाल चल रही है। दोनों अपने गीतां सोशल मीडिया हैंडल से लाइव परफॉर्मेंस के एक दूजे को रिप्लाई करते रहते हैं। नाल दी नाल दोवां गायकां दी हिंसा नूं प्रमोट करन दे गीत गाउण दे लई आलोचना भी हुंदी रहिंदी है। एली मांगण ने एक इंटरव्यू दे विच दस्सिया सी कि दोनां दे विच कॉन्ट्रोवर्सी उदों शुरू होई सी जदों एक वीडियो लीक हो गई सी, जिस तों बाद दोनां दे विच काफ़ी तूं तूं मैं मैं हुई। इस तों बाद करण औजला ने एक गीत रिलीज़ किया जिसका नाम सी लिफाफे। कहा जा रहा है कि यह गीत मूसेवाले नूं टारगेट करके लिखा गया सी,
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਾਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲਿਫਾਫੇ ਟਰੈਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 4 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ AK-47 ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫ਼ੀ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਤੇ 5 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਜੈਸ ਆਈ ਐਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੂਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗਿੱਲ ਰੌਂਤਾ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ 11 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ 27ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀਫਰਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਿਜ਼।